नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ जो हमारे लिए, आपके लिए बेहद जरूरी है जानना। अगर आप शौक रखते हैं हस्तरेखा का, तो या काम करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं या लोगों का देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे ओरिजिनल हाथ चल रहा होगा, उसी की छाया मैंने यहां पर बना रखी है रेखाओं के माध्यम से। एक विषय आज हमारा, केवल एक विषय इस हाथ में, केवल इसकी गणना करेंगे कि विवाह, शादी क्यों नहीं चली। विवाह हुआ, एक साल के अंदर पति और पत्नी दोनों अलग हो गए, और अलग करने वाला कोर्ट नहीं था, अलग करने वाला ऊपर वाला था। बहरहाल अलग हो गए, सीधे शब्दों में कहा जाए अलग हो गए। क्या कारण थे? आज इसकी आयु 56 वर्ष की आयु है, विवाह के लिए सोचता भी नहीं है, अकेला रहता है व्यक्ति। इसके जीवन में वो कौन सी रेखाएं हैं, चाहे वो रेखाएं हो चाहे वो उंगलियां हो, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या कारण थे विवाह का सुख नहीं मिला। अगर आपके हाथ पे भी कुछ रेखाएं हैं, इसमें से एक आध रेखा होगी तो उतना फर्क नहीं है, कुछ रेखाएं अगर आपके हाथ में हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। जल्दबाजी में, विवाह से संबंधित चीजों में जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि वो जीवन के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पर्टिकुलर जिसका आपको हाथ दिखाया गया था, उसका हाथ की छाया मैंने बनाई है रेखाओं के माध्यम से। रेखाएं बहुत होती हैं, अच्छी भी होती हैं, खराब भी होती हैं। हाथ में कुछ खराब रेखाएं होती हैं हाथ में, जो उसको काटने के लिए, कुछ अच्छी रेखाएं भी होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस बन जाता है। वो कहा जाता है कि भैया ठीक है, आपके हाथ में ये रेखाएं हैं, ये अच्छी नहीं है, लेकिन ये रेखा दूसरी रेखा इसको बैलेंस कर रही है, तो दिक्कतें उतनी नहीं होंगी। अगर खराब रेखाएं हैं तो साल डेढ़ साल ऐसे ही चलता है। बहरहाल विषय पे आते हैं, इनके हाथ पे जो है चर्चा करते हैं कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो ये दिखाती हैं। देखिए, विवाह के लिए ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मेनता यहाँ से विवाह देखा जाता है, विवाह देखने के लिए यहाँ से देखा जाता है, इस जगह से देखा जाता है, ये हिस्सा देखा जाता है और ये हिस्सा देखा जाता है। कुछ स्थितियों में सूर्य से भी देखा जाता है, लेकिन वो रेखाएं इनके हाथ में नहीं है कि यहां सबके हाथ में सब रेखाएं नहीं होंगी कि ये भी रेखा हो, ये भी रेखा हो, ये सब रेखाएं नहीं होंगी, लेकिन कुछ रेखाएं तो हैं, और कुछ रेखाओं के आधार पे सबका हाथ अलग अलग है, सबके हाथ में अलग अलग रेखाएं। इनके हाथ की रेखाओं की अगर हम बात करें, देखिए इनकी अगर विवाह से संबंधित रेखाएं देखी जाए तो इस जगह की अगर हम बात करें सिर्फ एक रेखा है। इसकी अगर चौड़ाई देखें, इस रेखा की गहरी है, लंबी है। अगर इसकी चौड़ाई देखें तो शुक्र की जो रेखा है उससे ज्यादा है। ये रेखा का ज्ञान सामुद्रिक शास्त्र हस्तरेखा यही है। अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए तो शुक्र से ज्यादा है, ऐसे में कहा जाएगा वैवाहिक जीवन में तनाव होगा, विवाह से संबंधित चीजों में सुखों की कमी होगी, सिर्फ एक इस रेखा को देख के। और रेखाएं हैं नहीं, इसमें केवल एक ही रेखा है। सेकंड चीज, अगर इनका जो है सूर्य का हिस्सा देखा जाए, सूर्य के हिस्से में एक बॉक्स बन रहा है, ये इनका जो है ऐसे आया, ये बॉक्स, ये भी विवाह के लिए अच्छा नहीं कहलाता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी से हरदम दुखी रहेंगे, कारण कुछ भी हो सकता है। जब यही पॉइंट जो है 4-5 मिल जाते हैं तो विवाह का सुख खत्म हो जाता है। सेकंड चीज, अगर इनके हाथ में देखिए चंद पर्वत पे एक रेखा आई, ये चंद्र पर्वत पे एक रेखा आई, उसके ऊपर एक काला तिल आया, और बड़ा स्पष्ट काला तिल है। यह भी कहा जाएगा कि जातक को महिला का सुख नहीं है। ऐसे लोगों को महिलाओं से सचेत रहना चाहिए। मैं विवाह की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, विवाह का सुख तो ये दिखाता ही नहीं है। मान लीजिए तिल आ गया तो विवाह से संबंधित चीजों में, सुखों में ही कमी कर देगा, लेकिन तिल आने का मतलब यह भी होता है कि ऐसे लोगों को महिलाओं से
दूरी बना के चलनी चाहिए। किसी प्रकार से आने वाले समय में ये कार्य हो सकता है जिसके कारण मान प्रतिष्ठा में कमी आए, उसको भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है। इसके बाद भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा के पास आके रुक गई, ये भी अच्छा संकेत निकल आएगा। सुखों में ये भी कमी करता है। अगर इनकी रेखा देखी जाए तो भाग्य रेखा जो है इस जगह पे आके चौड़ी है, ये मैं इससे बना दे रहा हूँ चौड़ी, इससे आपको दिख नहीं रहा होगा। इस जगह पे आके जो है इनकी चौड़ी हो रही है और उसके ऊपर तिल है। ये भी कहा जाएगा कि जातक को जो है विवाह का सुख नहीं मिलेगा। हालांकि विवाह के संयोग अगर कहा जाए तो 23-24 वर्ष की आयु में विवाह के संयोग जरूर बनेंगे, लेकिन अगर विवाह हो जाता है मान लीजिए तो वो चलेगा नहीं। वैसा ही हुआ इनके साथ, एक साल के अंदर जो है अलगाव हो गया। चलना ना चलना, विवाह कराना ना कराना, ये सारी चीजें अगर कहा जाए रेखाओं के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगर इनकी रेखा चौड़ी हो रही है, उसके ऊपर तिल आ रहा है भाग्य रेखा पे, ये भी आपके जो है सुखों में कमी को दिखाती है। मंगल की रेखा अगर देखी जाए, मंगल क्षेत्र से कुछ रेखाएं इनकी काट रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो है सुखों को में कमी को दिखाती है। एक रेखा इनकी अगर देखेंगे इस जगह से जो है एक रेखा आई और आगे ओके जो है दो फाड़ में, ये बड़ी स्पष्ट है, बड़ी साफ है। मैंने पीछे भी आपको बताया ऐसे लोगों का विवाह का सुख नहीं मिलता है। ऐसे अगर ये रेखाएं हैं तो प्रेम विवाह के लिए मत सोचिए। जो भी मैं रेखाएं बता रहा हूं, ये प्रेम विवाह के लिए मत सोचिए, आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, जिसे कहते हैं अच्छा होना। अंगूठा जहां से शुरू हो रहा है, अंगूठा जहां से शुरू हो रहा है वहां पर किसी भी प्रकार का कोई रेखा नहीं है, केवल स्पष्ट एक रेखा चली आ रही है, ये भी अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा विवाह इत्यादि चीजों के लिए। अब विवाह के लिए गुरु को देखना बेहद जरूरी है। बहरहाल इतने ही पॉइंट बहुत हैं, लेकिन इस हाथ में कुछ और पॉइंट हैं जिसके आधार पे आप कह सकते हैं 101% जो है विवाह का सुख नहीं है इसमें। विवाह हो भी जाता है मान लीजिए तो साल डेढ़ साल से ज्यादा इसमें विवाह नहीं चलेगा। गुरु पर्वत पे अगर देखेंगे तो गुरु का हिस्सा जो है सामान्य है, सामान्य उठा है, लेकिन इस जगह पे अगर देखिए तो इस जगह से मतलब ये किनारे से दो रेखाएं आ रही हैं और एक ट्रायंगल बन रहा है, ये अपमान को दिखाता है विवाह में, ये मुकदमेबाजी को भी दिखा सकता है विवाह में। अगर ये रेखाएं नहीं है, सिर्फ ये है, तो ये मत समझिएगा कि विवाह से संबंधित चीजों में कमी आएगी। हाँ, कमी एक अलग चीज हो गया, संतान को लेके, पुत्र संतान को लेके सुखों में कमी एक अलग चीज हो गया अगर ये चीज है यहां पर। तो अगर इसके उपरांत भी इनके हाथ में देखा जाए, एक तिल आ रहा है और तिल का ये किनारे पे तिल है, मतलब सेंटर नहीं है गुरु की उंगली पे, सेंटर में तिल नहीं है, किनारे पे तिल है। किनारे पे तिल भी जो है जीवन साथी के सुखों में कमी को दिखाता है। ऐसे लोगों को, हालांकि विषय आज हमारा केवल विवाह से संबंधित था, फिर भी किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप में काम करना हो, कहीं आपको जो है किसी के साथ साझेदारी में काम करना हो, ये तिल केवल ये कह देगा कि साझेदारी में काम मत करिए। अगर इनकी जो है गुरु की उंगली देखेंगे तो ऊपर से जो है बाहर की तरफ निकल रही है, ये भी कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीजों के लिए अच्छा नहीं है। विवाह हो गया, घर परिवार का सुख हो गया, दोनों चीजों के लिए मैं कहूंगा अच्छा नहीं है। यहां पर अगर आप देखें, एक रेखा जो है मस्तिष्क हृदय रेखा से एक रेखा जो है गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, अच्छी रेखा है ये, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन जब ये रेखा चौड़ी हो जाए और भाग्य रेखा इससे पतली रहे, मतलब इसकी चौड़ाई ज्यादा है इस रेखा की और भाग्य रेखा की चौड़ाई कम है, ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिलता। विवाह के अलावा बहुत सारी चीजों का सुख नहीं मिलता, लेकिन विवाह की अगर हम बात कर रहे हैं तो विवाह का सुख ऐसे लोगों को भी ना के बराबर मिलता है। अगर एक समान हो, ये रेखा और ये रेखा एक समान हो, या फिर कह लीजिए ये रेखा पतली है और ये रेखा जो है इसके मुकाबले चौड़ी है, तो भी अच्छा कहलाएगा, तो खराब नहीं कहलाएगा, तो ये खराब नहीं कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा। कुछ रेखाओं के माध्यम से मैंने आपको बताया इनके हाथ में विवाह से संबंधित, सबके हाथ में लगभग लगभग अगर कहा जाए तो रेखाएं तो वही हैं, लेकिन कुछ अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, कुछ अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, कुछ रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं, कुछ रेखाएं नहीं हैं, कुछ रेखाएं हैं हर किसी के हाथ में। बहुत सारी ऐसी रेखाएं जो विवाह से संबंधित चीज़ों में खराबी को दिखाती हैं, बहुत सारी ऐसी रेखाएं विवाह से संबंधित चीज़ों में अच्छाई को दिखाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि
आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें। एक रेखा और मैंने दिखाना था, मैं भूल गया। हृदय रेखा अगर देखेंगे, इनकी बिल्कुल सीधी है और शनि के नीचे है। ऐसे लोगों को भी विवाह का सुख कम मिलता है। यहाँ मैं अलगाव की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं सुख की बात कर रहा हूँ। कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण से जो है हो सकता है, लेकिन ये एक राजयोग के समान है। अगर ये रेखा जो है शनि के नीचे आ रही है, शारीरिक दिक्कत देती है, बीमार करेगी। ऐसे लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन आज हमारा वो विषय नहीं है। हमारा विषय केवल आज विवाह से संबंधित है। जाते जाते एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ग्रह नक्षत्र आज से 20-30 साल या 50 साल पहले आपके माता पिता, हमारे माता पिता, आपके दादा दादी, हमारे दादा दादी हुआ करते थे, उस समय पे भी अगर कहा जाए ग्रह नक्षत्र यही थे। हाँ, कुछ अंशों की दूरी है। बृहस्पति जैसे जैसे दूर जाएंगे और शनि जैसे जैसे नजदीक आएंगे, वैसे वैसे ही कहा जाएगा कि दुनिया जो है समापन की तरफ बढ़ रही है। बहरहाल, ग्रह नक्षत्र 50 साल पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। ग्रह नक्षत्र मतलब जो घूम रहे हैं, आदमी की जिंदगी या आदमी का सोचने का तरीका कुछ बदल गया है। जिम्मेदारियां ले नहीं सकता, हालांकि व्यस्तता एक अलग चीज हो गई, सबके जीवन व्यस्तता है, फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। माता पिता को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, जीवन कैसे उन्होंने निकाला एक साथ। परमात्मा ना करे आप लोगों को कभी अलग होना पड़े। मैं बिल्कुल ये कहूँगा, परमात्मा ना करे कभी आप लोगों को अलग होना पड़े। जिस दिन अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, उस दिन लगभग आधी ज़्यादा समस्याएं जो है कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। अगले वीडियो में फिर आप किसी विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। अगर कोई कमेंट है आपका विवाह से संबंधित या रेखाओं से संबंधित, नीचे इनबॉक्स में डाल दीजिएगा। आने वाले समय में मैं कलेक्शन हो रहा है, मैं आपके प्रश्नों का जवाब वीडियो के माध्यम से भेजूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।